करीब सप्ताह भर पहले चिंतामन थाने के ग्राम नलवा और चंदूखेड़ी में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उनसे चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। मंगलवार को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका खुलासा किया। दरअसल पिछले दिनों चंदूखेड़ी में रहने वाले कृषक नितिन जायसवाल के गोदाम के बाहर खड़ी आयसर को बदमाश चोरी कर ले गए थे। वहीं नलवा में रहने वाले किसान कमल सिंह आंजना के गोदाम से 70 बोरी लहसुन एवं 4 बोरी सोयाबीन चोरी कर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस तभी से इन चोरी के आरोपियों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आकासोदा में रहने वाले धर्मेंद्र बागरी और बानिया खेड़ी में रहने वाले उसके साथी भगवान बागरी को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर आयसर एवं 70 बोरी लहसुन और 4 बोरी सोयाबीन बरामद कर ली है। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के अनुसार आरोपियों ने अपने तीन और साथी बल्लू निवासी झाझाखेड़ी, कमल निवासी भाटीसुड़ा और भोला निवासी रुपेटा के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन। चिंतामन थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो घटनाएं क्रमशः मतलब एक चेन के रूप में हुई थी, जिसमें से चंदूखेड़ी गांव में एक आयसर चोरी हुई थी और उसके बाद नलवा गांव में एक किसान के यहाँ लहसुन और सोयाबीन की चोरी हुई थी। दोनों मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था और तलाश की गई। इसमें एक टीम भी गठित की गई थी, जिसमें सीएसपी कोतवाली, थाना प्रभारी चिंतामन और साइबर की टीम थी। सभी ने इसमें जॉइंट काम किया था। इसमें कुल मिला के ये पूरी जो घटना थी दोनों उनको पर्दाफाश करने में चिंतामन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इसमें अब तक दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो चोरी गई आयशर और सोयाबीन और लहसुन लगभग 10 लाख से भी अधिक कीमती मशरू का पुलिस ने बरामद किया है। इसमें एक आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, उसके ऊपर इनाम घोषणा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस पूरी टीम को इनाम देने की घोषणा भी की गई है।